गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सर? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अभी निकल रही हूँ मैं मंदिर के लिए। और मंदिर से जाना है मुझे स्कूल, राधिका की LOC पर। 12th है उनका, CBSE बोर्ड है, तो वहाँ पर साइन होना है। अभी स्कूल से कॉल आया है और आज बहुत लेट हो गया क्योंकि कल गरबा था, आप लोगों को मालूम है। हम लोग सब गरबे में गए थे तो मतलब लेट नाइट हो गया सब, सुबह भी लेट उठ रहे हैं। आज तो सच में सारा पूरा सिस्टम बिगड़ गया हम लोगों का। बच्चे अब भी आज सोके उठे हैं तो, पर क्या करते, बहुत लेट हो गए थे तो, और थक भी गए थे। फिर आके घर में, फिर आने के बाद भी 1.5-2 घंटे तक नहीं सो पाए क्योंकि काम वाम इतना फैला पड़ा था कि बता नहीं सकते। तो चलिए अभी तो मैं जा रही हूँ पहले मंदिर, मंदिर से जाऊँगी मैं सीधे स्कूल, क्योंकि स्कूल में जाके फटाफट साइन करके आऊंगी। और आज तो सच में खाना भी नहीं बना और ये मिष्टी की हालत देखो, मिष्टी की हालत क्या हो गई बेचारी लड़की की। अभी सोके उठी है, अभी सोके उठी। पता है मैंने ना, जब मम्मी ना काम कर रही थी रात को बैठ के, तो मैं मम्मी की गोदी में ही सो गई और मुझे पता भी नहीं चला कब मैं अपने बेड पे चली गई। सही बात है, कोई बात नहीं बेटा। और मुझे बस सर्दी और लग गई। हाँ, ये बाल कैसे हो गए? बाल बाल खोल के बताया करो भैया, ज्यादा लोग इतनी नजर लगा रहे हैं कि बाल खोलते हैं, बाल खोल के आते हैं, बाल खोल के आते हैं, तो भैया बहुत बुरी नजर है लोगों की। तो अपने बाल बचाओ मिष्टी, क्योंकि किसी के पास सामने बाल है नहीं है इसलिए वो नजर लगा रहे हैं तुमको, है ना? तो बालों बाल बढ़ा लो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बढ़ा लो। सुन लिया मिष्टी की बात, सुन लो, है ना? थोड़े से बढ़ा लो, मेहनत कर लो, जैसे मिष्टी करवाती है, है ना? ऐसे मेहनत कर लो तो बाल आ जाएंगे। क्यों दूसरों के बालों से जलना, क्यों जलती हो इतनी? अभी कल भी गरबे में जाने, कल नहीं आज, आज भी गरबे में जाना है, फिर कल नहीं जाना, फिर 1-2 दिन बाद जाना है, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अभी तो बहुत लेट हो रहे हैं, अभी हम निकलते हैं। के सामने खड़ी हूँ अभी LOC पे साइन करके, अब मैं घर के लिए निकल रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल, बैक टू तो मम्मा ये वाला व्लॉग मेरी चैनल पे डाल दे रहे हैं क्योंकि मैं अपने चैनल का नाम बोल रही हूँ कि फिर से अपने चैनल का इंट्रोडक्शन होता है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज टी। सो गाइस, आज है कौन सी डेट है, आज 18 अक्टूबर वेडनेसडे, और आज मैं स्कूल नहीं गई बिकॉज ऑटो वाले अंकल ले आए थे आज, लोगों को बाहर जाने को, इसलिए और मैं मम्मी का फोन पकड़ी हूँ। ठीक तो एक इसमें ना एक वो है मम्मी के फोन में, एक यहाँ पे ना बुक बनी है, इस पर मैंने क्लिक करा तो बिना पासवर्ड डाले ना तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें आ जाती है। तो मिष्टी आज क्या करने वाली है हमारी मिष्टू रानी? तो आज मैं कोचिंग भी नहीं गई हूँ और पता है मैंने नहाया भी नहीं है क्योंकि मेरी बिंदी भी नहीं फिटी है, इसलिए नहीं नहाया कि मिष्टी को चढ़ाया है फीवर और मैं फिर भी घर में जाऊंगी। मिष्टी की आईज भी देखो सूज गई है क्योंकि कल मिष्टी को बहुत नजर लग गई थी हमारी मिष्टी रानी को, क्योंकि मैं बाल खड़े करके गई थी ना, मेरे बाल फिर से टूटने लगे। सही बात, तो मैंने कल हेयर वॉश का भी करा था तो उसकी वजह से और हो गया। मैं अभी एक हफ्ते में 2 बार कर लिया मैंने हेयर वॉश, नहीं तो मैं हफ्ते में एक ही बार कराती हूँ। हाँ, गर्मी का टाइम होता है जब जरूर 2 बार कराती हूँ क्योंकि मिष्टी के बाल इतने लंबे हैं। और मेरे को ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे पहले भी हुई थी, तो ये जो मेरी स्किन है ये आपको दिख रही होगी, ये ना निकल रही है नीचे, अरे वो ड्राई स्किन निकल रही है इसकी, मतलब तो जैसे वो ना खुजली मचेगी आपको एकदम से इच, एंड वो पूरी स्किन निकल जाएगी, नेल्स में लग जाएगी क्योंकि अभी मेरे नेल्स तो बड़े हैं नहीं, कटवा लिए इसलिए। बट जब मेरे बड़े इससे तब मैं ऐसे करती थी तो मुझे पूरे नेल्स के अंदर वो चला बेटा, इसलिए तो कहते हैं पूरे टाइम ऑयलिंग करवा के रखो, है ना? लेकिन अभी थोड़ी ना करा सकता ऑयलिंग, अभी तो गर्मी में जाना है। लो सुन लो, मतलब क्यों नहीं करा सकते, गर्मी में जाना तो ऑयलिंग नहीं करा सकते? तो चंपू बन के जाऊंगी मैं, चंपू बन के जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि राधिका दीदी का जो पुराना वाला लहंगा है वो पहन, बहुत पुराने वाला मेकअप वाला जैसे कोई पहले करा था, सुन रहे हो ना? आई शेडो लगाया था दीदी ने कल, मेरे को ना दीदी ने ना कल मुझे दीदी ने ब्लश लगाया। पता है बेटा, बच्चे जितना सिंपल, तुम तो ऑलरेडी भगवान ने तुम्हें इतना क्यूट बनाया है, कहाँ से क्यूट दिख रही हूँ मैं बेकार लग रही हूँ। तो मम्मी बस मुझे थोड़ा सा आई शेडो लगा लेना, इनको आई शेडो लगाना, बाकी
कल दीदी ने मुझे कल ब्लश भी लगा दिया था, जैसे दीदी लगाती है, एंड दीदी ने अपनी लिपस्टिक भी लगा दी थी मुझे। अच्छा, और अने कल लड़कियों को कितना मतलब आजकल, और अभी पता जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना, जैसे राधिका बड़ी होती जा रही है तो उन्हें अब सिंपल रहने का लगने लगा है, बस ये अब थोड़ा सा गरबा है या कहीं फंक्शन है तो लगता है, अदरवाइज सिंपल। तो अच्छा लगता है, बच्चे जैसे बड़े होते हैं तो वो समझदार होते जाते हैं। इस एज में मिष्टी की एज में क्या लगता है बच्चों को, हम ऐसे भी तैयार हो जाएं वैसे भी तैयार हो जाएं। तो आज शाम को फिर गरबा है तो जाएंगे दोस्तों। अच्छा अच्छा, मेहंदी भी लगाऊंगी। हाँ, गरबे में लगा देंगे। ठीक है ठीक है, क्योंकि मम्मी अपन शादी में ही ऐसे तैयार होते हैं हमेशा, और शादी आपको पता है ना अपने घर में कितनी कम होती है। ओके ओके ठीक है ठीक है, समझ कम होती है। इस साल तो चार चार शादियां हैं अपने घर में, एक तो एक तो दीदी की है ना, आशा दीदी की एक लगा रहा है। मामा के लड़के की, तुम्हारे मतलब मेरे मामा के लड़के की, तो उनको वहाँ भी चलना है ना। तो शादी तो एक हमारे चाचा जी के लड़के की है, तीन शादी हो गई है, और एक और शादी हमारी फ्रेंड के यहाँ तो वहाँ भी जाना है। तो ऐसे करके चार शादियां हो गई जो हमें बिल्कुल मतलब क्लोज है। एक तो हमारे घर की शादी है। ये तो चलिए दो दोस्तों, घर की आज लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि गरबे में जाना है, और आपको पूरा वीडियो वॉच करो, कल का वीडियो आपको पूरा अवेलेबल है। अभी चार बच्चों के कल हम लोगों ने गरबे में क्या किया था वो सब अभी आप लोग देखना है ना, मस्ती। और साउंड थोड़ा सा हम लोग को ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो कॉपीराइट आएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे नॉन कॉपीराइट म्यूजिक लगाने का है ना, नहीं तो स्विच वो कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। मत करो मिस्टी। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में आप लोगों से। Oh yeah.